ग्वालियर में सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ है। युवक की हत्या करने वाला उसका सगा भाई निकला है। मृतक युवक दिव्यांग था और वो उस पर बोझ बन चुका था, इसलिए भाई ने आधी रात को उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। दरअसल महाराजपुरा थाना क्षेत्र के सोनेपुर गांव में दो दिन पहले नेत्राम गुर्जर का शव बड़े भाई श्रीकृष्ण सिंह के खेत में पड़ा मिला था। प्रारंभिक पड़ताल में ही साफ हो गया था कि मामला हत्या का है, क्योंकि मृतक के गले पर गला घोटे जाने के निशान मिलने के साथ ही शरीर पर चोटें भी थी। पुलिस ने शव को निगरानी में लिया और पड़ताल की तो पता चला कि मृतक पैर से दिव्यांग था, उसकी शादी भी नहीं हुई थी। मामले की जांच के लिए परिजनों से पूछताछ की तो मृतक के भाई एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगा रहे थे। भाइयों के द्वारा एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगाने पर पुलिस को संदेह हुआ। वहीं पुलिस को पता चला कि मृतक की जमीन पर बड़े भाई श्रीकृष्ण ने कब्जा किया हुआ है और उसकी जिम्मेदारी छोटा भाई रामप्रीत पर थी। जब पुलिस ने रामप्रीत से सख्ती से पूछताछ की तो रामप्रीत ने सारा गुनाह कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में एक अंधे कत्ल का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें नेत्राम गुर्जर की हत्या की गई थी। इस प्रकरण में तत्परतापूर्वक अनुसंधान किया गया और आरोपी का सगा छोटा भाई को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ पे उसने कबूल किया है कि जो मृतक था उसकी जमीन उसके बड़े भाई ने कब्जे में कर रखी थी और ये जो मृतक था वो छोटे भाई के ऊपर एक तरीके से बोझ अब वो समझता था और इसकी वजह से गृह कलेश भी उनके यहाँ होता था। इन सब बातों को लेकर आरोपी ने रात में सुनसान जगह पे मृतक की हत्या का गला घोंट के कर दी थी। उसके जुर्म कबूल करने के बाद उससे जो हत्या में प्रयुक्त साफी है और एक तकिया है वो बरामद कर लिया गया है। छोटा भाई भी मजदूर है और किसानी करता है।